इस सब के बीच में बड़ी खबर है, एटलांटिक में रूसी एडमिरल गोर्शकोव का शक्ति प्रदर्शन सीधे दिखाई है यहां पर। वॉरशिप गोर्शकोव से KA-27 हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। ये देखिए तस्वीरें, फ्रिगेट रूट पर काफी देर तक उड़ा KA-27। '23 में रूस का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रदर्शन। अब की बार आर्कटिक सागर में छिड़ेगा संग्राम। अब की बार समंदर लगाएगा विनाशक तूफान। आर्कटिक सी से आया ये वीडियो इन्हीं सवालों को जन्म दे रहा है। यह है रूस का TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर, जिसने आर्कटिक सी में करीब 10 घंटे तक एक्सरसाइज की। रूस के दो बॉम्बर्स ने न्यूक्लियर ताकत को परखा। रक्षा मामलों के कुछ जानकार इस एक्सरसाइज को क्रीमिया पर मंडराते संकट से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि रूस को क्रीमिया पर बड़े हमले का डर सता रहा है। दूसरी अटकलें आर्कटिक के रणनीतिक और व्यावसायिक महत्व को लेकर हैं। आर्कटिक में करीब $35 ट्रिलियन का तेल और प्राकृतिक गैस छिपा हो सकता है। ऐसे में 8 आर्कटिक देशों में शामिल होने के नाते अमेरिका इस पूरे इलाके पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, और रूस अमेरिका को काउंटर करने के लिए यहां सैन्य अड्डा और घातक हथियार तैनात कर रहा है। जानकारों की नजर में आर्कटिक के बर्फीले इलाके में यह एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अब आपको अटलांटिक में रशियन नेवी की हलचल के बारे में भी बताते हैं। अटलांटिक महासागर में रूस ने एडमिरल गोर्शकोव की ताकत दिखाई है। इस वॉरशिप से KA-27 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस उड़ान के जरिए रूस ने जहां एक तरफ ब्लैक सी में किलेबंदी को और मजबूत करने का काम किया, तो वहीं इस शक्ति प्रदर्शन से रूस ने नाटो को इलाके से दूर रहने का इनडायरेक्ट मैसेज भी दिया।